गौर से इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में दिख रहा इस जगह का नाम को देखिए। नाम को देखने हम इसलिए कह रहे हैं कि इस नाम से जुड़ी एक विशेष कहानी है। इस जगह की कहानी हम आपको बताएं, उससे पहले सड़क की स्थिति देख लीजिए। बताते चले, ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके नेता अशोक भगत के पैतृक गांव नारायणी के ठीक नजदीक की है। जगह का नाम है नया नगर। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है यहाँ सड़क नाले में तब्दील है। आलम क्या है, आप खुद देखिए कि यहाँ राहगीरों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर महागामा के पूर्व विधायक अशोक भगत सरकार को कोसते नजर आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ज्ञान बांटने वाले राजनेता दीपक तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं इस सड़क से गुजरने वाले वहाँ के राहगीर। इसका तो अभी तक मुआवजा नहीं मिला, निजी जमीन किया भी एक विधायक पार हो गया, दूसरा विधायक विधायका आई है। क्या नाम है आपका? विश्वाउलक। कहाँ मकान कहाँ है? यही नयानगर हुआ, मेरा ही जमीन है। क्या स्थिति क्या रहती है इधर से? अभी गाड़ी जो गुजरती है तो सब लोगों को काफी परेशानी होती है। परेशानी क्या, जब बीमार पड़ता है बच्चा पैदा होने वाला तो यही हो जाता है, हॉस्पिटल ले जा पाता है, इधर हो जाता है। इतने समय से यह हालात बना हुआ? यह 5-6-7 साल से आई है इसे। तो जो स्थानीय विधायक पहले और अभी जो है, ये लोग कभी विचार नहीं कर रहा? तो कितना विचार किया गया, उसके दरवाजे पर पैर जूता सब किया गया, अभी तक कोई पता नहीं है। बताया जा रहा है कि ये सड़क जो हाल में बना भी था, ये बना ही नहीं है, बना है वहीं तक बना है, इधर नहीं बना, यहाँ से लरेंगे तक नहीं बना। क्या वजह क्या है? वजह क्या, जिसकी जमीन है उसको मुआवजा नहीं मिला, जमीन का मुआवजा ही नहीं मिला ही नहीं। और यहाँ मेन रोड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कितने लोगों की जमीन पूरा पड़ता हुआ इधर? यहाँ लगभग 15-20 लोगों की जमीन, 15-20 रैयत का, और किसी को नहीं मिला। कुछ तो मतलब लीगली हुआ होगा ना विभाग के तरफ से? कुछ नहीं मिला है, आश्वासन मिला है। पैसा मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन मिला पैसा आ गया है, ट्रेजरी में आ गया है, अलग विभाग में आ गया, पीएचडी विभाग में आ गया, लेकिन आया ही नहीं। अब कहाँ आया है? ये जो सड़क है, रोजाना इधर से गुजरने में कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है। क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी तो इसमें बहुत है, गाड़ी उड़ी ले जाने में, आदमी को पैदल चलने में भी परेशानी है, तो गाड़ी तो दूर चला गया। आप लोग भी इधर से रोजाना गुजरते होंगे, क्या स्थिति रहता है इधर? दिक्कत है, क्या क्या परेशानी होता बताइए। बेरोजगारी दूर भगाएं, खुद का रोजगार अपनाएं। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। सीएसपी खोलकर आप घर बैठे कमा सकते हैं 10-20 हजार रुपए महीना, मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसे सभी सुविधाएं, सभी ट्रांजेक्शन पर पाए तुरंत कमीशन। आज ही सीएसपी आईडी लेने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9162571 4